ये क्या है? ओ, बाबा जी आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना। तुम्हें पता है इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? नहीं बाबा जी, क्यों? तुम जैसी लड़कियों की वजह से। क्योंकि जब छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती हो तो लड़के बोलते हैं सो हॉट सो हॉट, और सूरज को गुस्सा आ जाता है, अच्छा ये हॉट है तो फिर मैं दिखाता हूँ अभी। तो बताइए आज किसकी क्या समस्या है? बाबा जी प्रणाम। नेटवर्क में रहो। बाबा जी जाऊँ घर से शॉर्ट्स पहन के निकलते तो हमारी टांगों में मच्छर काटते, लेकिन जब लड़कियाँ शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहन के निकलती है तो उन्हें मच्छर नहीं काटते, ऐसा क्यों बाबा जी? दरअसल मच्छर बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कहाँ काटना है कहाँ चूमना है। और किसकी क्या समस्या है? हाँ बोलिए। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम विवेक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले लोग दुकानों से कपड़े खरीदते थे, फिर धीरे धीरे शोरूम पे जाने लगे, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, तो आगे लोग कैसे कपड़े खरीदने जाएंगे? वही, आजकल तो लोग बेशरम होते जा रहे हैं, लगता है आने वाले सालों में पहनेंगे ही नहीं। देख लो भाई देख लो, शर्म की बात कौन कर रहा है जो खुद इतना बेशरम है। टेनिस बॉल कहीं के कहीं भी फुदक जाते हो? देखो बात तो हम सनी लियोनी की भी करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी सारी फिल्में देखी हैं। देखा ट्रेंडी, मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को बोला ये सही बंदा नहीं है, इसने 32 GB का मेमोरी कार्ड रखा है, उसमें फिल्में नहीं रखी तो क्या पंसारी की दुकान पे जाकर राशन लेते उससे? देखो वो तो हम स्वच्छ भारत अभियान को सहयोग कर रहे हैं, सारी गंदगी अपने मोबाइल में डाल ली है ताकि बाहर वातावरण स्वच्छ रहे। ये फ्री की एडवाइस दूंगा आपको मैं। हाँ हाँ अवश्य। थोड़ा सा खुद भी स्वच्छ हो जो ना, नहाया धोया करो, और ये दाढ़ी दूढ़ी जो है ना इसको शेव शुभ करवाओ, पता लगे अंदर कौन बंदा है। देखो हमें सलाह कौन दे रहा है, छोटी टिकिया? भाई अपनी बहन से पूछो, ये तो हमारी USP है। अच्छा? तुम क्या जानो इंसानों की दुनिया की बातें, एलियन कहीं के। अच्छा चलो छोड़ो बाबा जी, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो जी। देखो अब हम आपस में दोस्त बन जाएंगे जी, तो आज के बाद मैं भी आपकी तारीफ करूंगा, आप भी मेरी तारीफ करना, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो ये बताइए फिर मैं आज कैसा लग रहा हूँ जी? ऐसा लग रहा है जैसे मेले में कोई माँ बाप से बच्चा बिछड़ गया हो। मैं माँ बाप से नहीं बिछड़ा, मेरे मम्मी डैडी मुझसे बिछड़ गए थे। वो बिछड़े नहीं नालायक, तुझ जैसी गंदी औलाद को जानबूझ के छोड़ के गए हैं। बाबा जी आपने मेरे भाई को नालायक बोला। तू भी तो नालायक ही है। नालायक को नालायक नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? खलनायक बोलिए, अच्छा लगेगा। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले तेरे लिए भी है आज। मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।